अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो डिसेबल्ड होने वाला है, 8 दिन के अंदर डिसेबल्ड होने वाला है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिसेबल होने से कैसे बचा सकते हैं, और आप कैसे रिव्यू इसका दे सकते हैं, फेसबुक कैसे आपका अकाउंट रिव्यू करेगी। तो आज की इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताऊँगा। तो वीडियो को आपने छोड़कर नहीं जाना, अगर आप वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो आप अपना फेसबुक अकाउंट बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना फेसबुक अकाउंट रिकवर करें तो आप वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि वीडियो में एक एक स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डिसेबल्ड फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। तो रिकवर मतलब ये है कि फेसबुक यूट्यूब पे अगर आप देख लें हज़ारों वीडियो आपको मिलेंगी, लेकिन इस वीडियो को भी आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैंने कम्प्लीट प्रोसेस बताना है कैसे आपने वर्क करके अपने डिसेबल्ड परमानेंट अकाउंट को परमानेंटली डिसेबल्ड होने से बचा देना है और रिकवर कर लेना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप सबको मिल सके। तो सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है, मैं क्रोम ब्राउज़र पर आ चुका हूँ। उसके बाद आपने होम के बटन पर क्लिक कर देना है और बिल्कुल न्यू टैब आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने पेस्ट करके एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। लिंक ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, कोई मेल सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ईमेल आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने प्रूफ सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं प्रूफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने प्रूफ सेलेक्ट कर लिया। प्रूफ सेलेक्ट करने के बाद आपने सेंड के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। मैंने सेंड के बटन पर क्लिक कर दिया, ठीक है। सेंड के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ना ये फेसबुक तक ये अपील चली जाएगी। उसके बाद आपने कोई काम नहीं करना, आपके पास जो है ना आपकी जो ईमेल एड्रेस है उस पर मेल आ जाएगी, वहाँ पर आपने आपको एक्सेस मिल जाएगी, दोबारा आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। फिर हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।